हे या व्हाट्स अप पीपल, इट्स योर बॉय शेज़ल हुसैन दिस साइड, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो इस वक्त सुबह का 6:30 बज रहे हैं और मेरा पेपर स्टार्ट होने वाला है और मैं यहाँ ब्लॉक कर रहा हूँ। एक्चुअल में मैं रात में आज रात भर जागा हूँ, 4 बजे सोया हूँ और अभी उठ गया हूँ। आप लोग मेरे आँखों से गलत मत समझना, सोया नहीं हूँ, बस इसी का ही असर रही है। तो मेरे को सुबह आज एग्ज़ाम देने जाना है, आज बहुत सारी चीज़ करनी है। मैं जो कुर्ता बनने दिया था ईद के लिए वो लेने जाना है, एग्ज़ाम देने जाना है, प्लस मेरी गाड़ी का मॉडिफिकेशन है उसको मैं बताऊँगा सेपरेट ब्लॉग में, उसको मेरे को करवाना है। उसके साथ साथ आज वो मतलब लैलतुल कदर चालू हो चुका है, अगर आप लोगों को पता है तो, जिनको नहीं पता है वो बता दूँ। रात भर हम जागते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, आपका ये मिडनाइट 12 के बाद से तो वो है। तो आज बहुत सारी चीज़ें करने को, साथ साथ मेरा एग्ज़ाम भी है। तो खैर कोई ना, करते हैं, फ़िलहाल एग्ज़ाम के लिए देर हो रहा हूँ, चलते हैं आके ब्लॉग करते हैं, मैं आपसे बात करता हूँ। तो मैं आगे एग्ज़ाम देखे और एग्ज़ाम तो खैर बहुत बेस्ट हुआ, एग्ज़ाम कोई दिक्कत नहीं है, एग्ज़ाम अभी चल ही रहा है। मैं एक एंड हाफ मतलब 1.5 आवर में मैं आगे कंप्लीट करके, क्योंकि पीसी का एग्ज़ाम था यार, मैं वीडियो का एग्ज़ाम था तुम्हारा भाई, मतलब इंट्रोडक्शन टू पीसी सॉफ्टवेयर ये सब्जेक्ट था, बीबीए का कोर्स है ये, तो इसका एग्ज़ाम था। मैं तुरंत लिख के आ गया, क्योंकि मेरे को अभी बहुत सारे काम करने, मैं अभी जाऊँगा एडिटिंग करने, क्योंकि मेरे को इससे पहले के ब्लॉग्स उसको अपलोड करने, उसको अपलोड करने के लिए मेरे को एडिटिंग करना पड़ेगा, फिर अपलोड करूँगा, फिर अनुराग के साथ जाऊँगा सरकंडा, वहाँ उसके गाड़ी का थोड़ा काम था उसको करना है, प्लस साथ में मेरा हंटर 350 का मॉडिफिकेशन भी करना है, थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन है मैं बताऊँगा क्या। फिर उसके बाद मेरे को वहाँ से अपने काम पे जाना है, काम पे जाने के बाद आके मेरे को बताया कि आपको मुझे कुर्ता लेना है, प्लस मेरे को एक लेडीज टेलर के पास भी जाना है क्योंकि एक चीज़ करवाना है वो मैं आपको पूरा बताऊँगा, उसको करना है। उसके बाद आपको बताया जैसा कि रात का सीन, खैर आज बहुत कुछ करने को और सब करेंगे, हम सब करेंगे, तो आप ब्लॉग्स देखते रहो। तो वीडियो हो गया अपलोड एंड आई होप आप लोग ये वीडियो देखने से पहले वो वीडियो देख के आए होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो कोई बात नहीं, आई बटन आ रहे दबाना और देख लेना, और अपने रिव्यूज बिल्कुल से बताना। और मैं अपना ब्लॉगिंग स्टाइल थोड़ा चेंज किया हूँ, थोड़ा धीरे बोलने की आदत डाल दियो, मतलब ना मैं अब बहुत ज़्यादा धीरे बहुत कम बोलने लगा हूँ यार, क्या ही बताओ, अच्छी खुशी मिल रही है यार मेरे को ऐसे। तो अभी अब अनुराग आएगा, फिर हम लोग साथ में जाएगा घूमे घूमे करने, फिर वहाँ से वो 2-3 काम, फिर वहाँ से मेरे को अपने काम में निकलने बताया था, उससे पहले मेरे को बैंक जाना है और मैं बताया था वो टेलर के पास जाना है। खैर बहुत सारी चीज़ है करने को और साथ ही साथ बहुत मज़ा भी आने वाला है, और पकाओगे तो बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि मेरे से आप लोग प्यार करते तो पकोगे तो बिल्कुल नहीं है ना, नहीं पकना है यार, प्लीज बोल दो ये झूठ है, आई मीन बोल दो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो खैर कोई ना, अब चलते हैं अनुराग के साथ, फिर देखते हैं आगे कैसा क्या सीन होगा, तो आप लोग वीडियोस देखते रहो। तो रमजान आई मीन ईद नजदीक आ रही है, तो थोड़ा सेट होना भी जरूरी है। एक्चुअल में जो मेरा बाबर है, जो मेरे बाल काटता है, वो घर गया हुआ है, तो वो है नहीं, तो मेरे को अपने हिसाब से सेट करना पड़ेगा। तो तू है वही दिल जिसे अपना कहा, तू है जहां मैं हूं वहां, अब तो है जीना तेरे बिन है सदा, तू मिल जाए इस तरह दो लहरे जिस तरह फिर हो ना जुदा, हाँ ये वादा रहा। ये मैं इधर शेव कर रहा हूँ ना, आप एक दोस्त से मिलाता हूँ, रुको एक दोस्त से मिला रहा हूँ, मैं इधर शेव कर रहा हूँ एंड मेरा बिल्लू क्या छोटे दिख रहे तो ये मतलब ये वैसे इतना प्यार करता है ना कि मैं जहां भी रहूं जो भी करूं बस मेरे पीछे घूमता है, तेरे को भी सेव करूं यार ये होता है क्या। दो मेरा
ऑल सेट। तो अब आएगा, देखते हैं सीन कैसा क्या होगा। जैसे मैं आपको बताया, कुछ भी चीज में प्लान नहीं करता हूँ, आई जस्ट गो विद द फ्लो। तो देखते हैं आगे का सीन कैसा क्या होगा, मैं आपको अपडेट करूंगा। और अभी तो मैं बाल थोड़ा सेट करवाऊंगा जाके, तो फिलहाल हाँ हल्का फुल्का क्लीन, कोई चिकना नहीं बोलेगा, ठीक है, बोलना भी नहीं कोई। या चलते आप लोग इसको देख रहे हो कितना क्यूट से बैठा हुआ है। तो भाई आगे तेरी मैंने बात कर रहे, समझा, चल आना नहीं। ये चिप्पी चिप्पी चापा चापा रूबी रूबी क्या बाबू, इधर 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 को एक दिखा दो, इधर इधर इधर, ए म्यूट बटन, म्यूट बटन है। अरे अकड़ तो देखो भाई साहब का, इतना अकड़ मेरे को दिखाता है, सही बोलू, बिल्ला नहीं होता तो घर से बाहर भगा देता इसको। हाँ तेरी तारीफ कर रहा हूँ, देखो काला के सुन रहा है। यार कोई ना, देखते आगे का सीन। टाइम फॉर अनदर एक्सप्लोरेशन, टन टन टन, चलते हैं। एडिटिंग हो गई और अब चलते हैं, बाकी का सारे काम खत्म कर लेते आज, होप फुली शायद कर ले, देखते हैं। तो तुम्हारा भाई आजकल बहुत सही दिखने लगा है ना, क्या बोलते हो? और आप लोग को जो भी ये सब दिख रहे हैं ना, मतलब ये टोटली मेस्ड अप जो भी है, ये बहुत जल्द 2-3 दिन के अंदर, 2-3 दिन नहीं लेकिन 4-5 दिन के अंदर समझ लो पूरा क्लीन अप हो जाएगा। क्योंकि मैं अमेजोन से कुछ प्रोडक्ट्स मंगाया हूँ जिसमें से कुछ आ चुका है, कुछ आना बचा है। तो हाँ, इस बार हम लोग सच में प्रोफेशनल रूम स्टूडियो बनाएंगे, तो कोई नहीं चलते अब। चल भाई घूमी घूमी करेंगे, तो अभी चलते हैं सरकंडा। और तो इस वक्त मैं हूँ पल्सर के शोरूम में, अनुराग की गाड़ी का थोड़ा मतलब सर्विसिंग करवाना था और भी एक दो चीज़ थी, तो वो उसी के लिए अभी आया हूँ। और यहाँ 2 घंटा का वेटिंग तो बोले हैं, साथ में इतना धूप है कि क्या बताएं। हमारे अनुराग बाबू क्या करें भाई, तब तक वेटिंग में चलना भाई, इतनी गर्मी है, धूप में क्यों खड़े हो पर? चलते हैं एक तो हाँ, कोई गाड़ी का ये सही है भाई, उसकी मांग दे, बोलते भाई चल केटीएम की, मेरा दोस्त है उसको गाड़ी लेना है, मेरे को गाड़ी लेना है, मैं यूट्यूबर हूँ, मैं व्लॉग भी बना रहा हूँ, मेरे को टेस्ट ड्राइव भी चाहिए। सही आइडिया, क्योंकि गर्मी में इतना धूप में और ज्यादा हालत खराब हो जा रही है। कोई ना, देखते जब तक जैसा आगे का सीन जब वो ला के देगा, देखें क्या होगा, पर आप लोग वीडियो देखते रहो। 3:28 AM। तो जैसा कि मैं आपको बोला था, सब तो एडिटिंग भी हो गया, सब चीज़ हो गया, मैं घर भी आ गया और अब जा रहे हैं हम लोग रात में। पहले तो शायद तारापारा जाएंगे, फिर उससे पहले या देखेंगे जैसा जो सीन रहेगा। और मेरी आवाज़ थोड़ी भारी लग रही है तो चलते हैं भाई, चले। खैर मेरा तो ये लुक, मतलब मैं अभी ऐसे चोटी बांध रहा हूँ, पता नहीं रिजवान बोला कि भाई बहुत अच्छा लग रहा है, पता नहीं सच है कि नहीं, खैर कोई नहीं। तो हाँ चलते हैं हम लोग। तो अभी हम लोग निकले हैं आपका मरियम कब्रिस्तान से, और यहाँ भी हम लोग थोड़ी दावत खाए, और इसके बाद हम लोग जा रहे हैं अभी हम मदीना मस्जिद कोल बाज़ार, वहाँ भी जाएंगे, थोड़ी इबादत करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग एक कासिमपुरा कब्रिस्तान भी जाएंगे और भी है, लेकिन मैं कब्रिस्तान के अंदर ब्लॉग नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं करूँगा। ऐसा भी नहीं कि अपन ईमान बेच दे एक वीडियो के लिए, तो वो सब चीज़ नहीं करेंगे। बाकी आप लोग ब्लॉग इन्जॉय करते रहना जो भी मैं करूँगा रिजवान के साथ। हेलो, तो चलते हैं अब, थोड़ा देर मतलब टाइम भी नहीं है अब उसका, आपका सहरी का समय भी हो रहा है, तो चलते हैं। तो हम लोग मदीना मस्जिद से निकल गए, अब हम लोग जा रहे हैं खानबाड़ा। एक्चुअल में अभी हम लोग हैं रिवर व्यू में, रिवर व्यू में आप देख सकते हो पूरा खाली है। और खानबाड़ा, मेरा मोबाइल फ्लिप नहीं होगा यार, खैर कोई नहीं, हाँ खानबाड़ा हुआ है। तो अभी हम लोग खानबाड़ा चलते हैं और वहाँ भी कर लेते हैं कब्रिस्तान में, और जगह जाके थोड़ा थोड़ा, और फिर उसके बाद हम लोग आगे का सीन बताएंगे। फिलहाल अपने पास अभी आधी घंटा है सहरी के लिए, तो हम लोग चलते हैं जल्दी, और फिर देखते हैं शायद इसके बाद फिर हम लोग ना कासिमपुरा मस्जिद के कब्रिस्तान जाएंगे, तो वहां जाके हम लोग व्लॉग एंड भी करेंगे।
तो हम लोग फजर की नमाज़ पढ़ के आ गए और अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं थोड़ा माइंड फ्रेश करने, आई मीन घूमने। क्या है, रोज़ा रख लिए, थोड़ा जाएंगे फिर हम लोग व्लॉग करते हैं एंड थोड़ा देर बाद। तो देखते हैं, अगर मतलब अभी तो हम लोग आए हैं, बैठे हैं, तो अगर मूड किया या भाई थोड़ी हम लोग में एनर्जी रही तो हम लोग जाएंगे, नहीं रही तो कोई बात नहीं, हम लोग सो जाएंगे। तो व्लॉग एंड करूँगा। हम लोग ऑन द वे हैं टू कूटाघाट। पूरा रैंडमली प्लान बना, मैं बोला कि चलते भाई कूटाघाट चलते हैं। तो हाँ, हम लोग पूरी एक रात पूरी जाग के हम लोग जा रहे हैं। तो जैसा कि मैं आपको बोला, हाईवे में है तो अपने को ब्लॉग अभी नहीं करना चाहिए ड्राइव करते वक्त, तो पहुँच के बात करते हैं। बाकी यहाँ का जो वाइब है ना, अभी एकदम मॉर्निंग वक्त का बहुत ही ज़्यादा फर्सा है। तो हाँ, अनएक्सपेक्टेडली हम लोग कूटाघाट आ गए और जैसे कि आपको बोला था कि पता नहीं क्या प्लान बन सकता है क्या नहीं, तो ये पूरा वही प्लान हुआ है। हम लोग पूरी का पूरा क्रेडिट मुझे जाता है क्योंकि मैंने बोला ये प्लान। तो हम लोग मतलब पूरी रात इबादत करके, कब्रिस्तान जाके, सहरी करके, नमाज पढ़ के फिर हम लोग यहाँ आ गए घूमने। मतलब आज मतलब ये जो ब्लॉग जब मैं स्टार्ट किया था, एक मिनट को बोल लेते, जब मैं ब्लॉग स्टार्ट किया था मैं कहाँ से किया था, क्या क्या कहते, मैं एग्जाम देने गया था, एग्जाम देने के बाद मैं एडिटिंग किया था, हाँ एडिटिंग किया था, एडिटिंग के बाद अनुराग के साथ गया था, अनुराग के जाने के बाद फिर मैं घर आया, घर आके वो सब किया, काम वाम किया, फिर उसके बाद रात भर पूरा जागा और उसके बाद अभी हम लोग कूटाघाट में। भाई ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, अगर ये लंबा हो भी गया है तो कोई नहीं, अगर आप लोग यहाँ तक देख रहे हो तो थैंक यू सो मच, आपका ये प्यार है। तो यहाँ नीचे सब्सक्राइब बटन है, इसको भी दबा देना, फोड़ देना, तोड़ देना, जो करना है करना, लेकिन सब्सक्राइब कर देना। बोलिए जान, तू कुछ बोल रहा था? मैं भूल गया भाई, कोई नहीं, यहाँ की वाइब्स यार मज़ा आ रहा है। देख सकते हो आप लोग व्यू, सनराइज ही अभी अभी हुआ है। देख सकते हो किस टाइप का वेदर है हमारे बिलासपुर में, अभी बारिश हो रही होगी, ऑब्वियसली हो रही होगी यार, अभी तो एकदम मॉर्निंग का आग ही बज रहा है, लेकिन आप देख सकते हो कैसा है ये जो है यार। तो हाफ वे और बारिश हो रही है इसलिए हम लोग अभी रुक गए हैं। जैसे ही बारिश हो गई, मतलब हम लोग आ चुके ऑलमोस्ट बिलासपुर एंटर कर चुके हैं, 10 किलोमीटर और अंदर है, और फिर उसको जैसे ही घर जाएंगे फिर सीधा आपको बताऊंगा। और मेरा पूरा चेहरा भाई मतलब 50 किलोमीटर ड्राइव करके ऐसा हो गया भाई, और भी हम लोग 100 की स्पीड में ड्राइव कर रहे थे भाई। आई नो बहुत ज़्यादा स्पीड है लेकिन कोई नहीं। तो खैर, अभी जैसी बारिश हो रुकेगी तो फिर हम लोग घर चलेंगे और फिर वहाँ मैं आपको ब्लॉग कंप्लीट करूँगा।